आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि हम लोग आधी रात में जो है वो बाइक से आ रहे थे, और बाइक से इसलिए क्योंकि हमसे जो है ना ड्राइवर चलने का तो चल जा रहा है, लेकिन घूमने के वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। तो आप लोग देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और पहली बार रंजना जो है वो अपने ससुराल में ऐसे बाइक से आई, और काफ़ी अलग लग रहा था। सब लोग आ गए हैं घर में, अब बस हमारे घर के भैया और भाभी का आना का दे रही है, और देखते हैं अभी और कौन कौन आने वाले हैं। खैर वीडियो को एंजॉय कीजिए, और अच्छा लगे तो दिल से हार्ट कीजिए, क्योंकि रंजना कल बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी बाइक से जब आ रही थी। तो देखिए वीडियो को। यहाँ पे हम आए हुए थे, ये है पप्पू जनरल स्टोर, जो कि मैं बचपन से यहीं पर आता था। जब भी कोई भी चीज़ ख़राब होता था, मतलब जो भी चीज़ सजेशन लेना था, ये भैया से हम मिलते थे। आप लोग सिवान के होंगे तो जानते होंगे। और बाबू का नाम क्या है? आदित्य। और ये भी हमारे वीडियो देखते हैं, और इसी के साथ साथ बुआ हो गई, सब लोग हमारा मतलब बहुत अच्छा से वीडियो भी देखते हैं, अब पूरे मेरे भैया का भी। और यहाँ पे एक छोटे बच्चे, इनका हाथ टूट गया है, दिखाइए यहाँ पे कैसे टूटा है। गिर गए थे, काची से गिरे हैं वो, रोड पे गिर गए थे, पैर फंस गया था। रोड पे पैर फंस गया? अरे दोस्त के पैर में। अच्छा जानते हैं, ऐसे लंगड़ी लगा देता है सब, तो मुंह सुनिए ना गिरता है कोई भी, नहीं तो हम हाथ लगा से हो गया। डॉक्टर क्या बोला, ठीक हो जाएंगे जल्दी? हाँ ठीक हो जाएगा। अरे एक तो वो टूट गया है कि बैठाना पड़ता है? टूटा नहीं है, थोड़ा सा क्रैक हो गया हड्डी। क्रैक ना हिंदी माने टूटना। चलिए ठीक है तब तो, इनके लिए आप लोग दुआ कीजिए जल्दी से ठीक हो जाए। कौन से क्लास में अभी? सिक्स। अभी तो क्लास स्कूल बंद होगा? हाँ। सच बता दो ना, हम पूछ रहे थे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय। अगर अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह मारते दम भी ना कोई ना कोई जरूर बोल देता है। चलिए गाइस हम जा रहे हैं, हमको आज लेट हो रहा है, बाय बाय। अगर आपको चेहरा दूसरा लग रहा होगा सॉरी उसके लिए। अभी डिटेन एंटी ट्रैवल करके थोड़ा फेस का स्क्रब और दाढ़ी उड़ी बनवा रहे हैं, अब हेयर कट भी हो गया, लग रहा है सब फुटबॉल है। हो चुका है, 11 बज रहा है, और आप लोगों को बता दें ये सुबह का नहीं, ये रात का 11 बज रहा है। और दीदी और रंजना जो है मेकअप का भूत जो है उतरा नहीं है अभी, तो हम बोल रहे थे कि आराम से सुबह में जाना, तो नहीं अभी जाना है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि इतना ज़्यादा लेट हो गया है, और सब लोग घर में गुस्सा हो गए हैं, और गाड़ी भी नहीं है, पता नहीं अभी कैसे आने। अरे भाई मुझे जेरी से डर रहा है, ठीक है। और ये मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा आप लोग। हे गाइस, तो अभी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पार्लर, और अभी हम लोग को कुछ काम करवाना है, तो हम सब काम करवाते हैं, और उसके बाद फिर मिलेंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ब्यूटी पार्लर में, और ये ब्यूटी पार्लर का नाम है खूबसूरत ब्यूटी पार्लर, जो कि मेरे नाम पे पड़ा है, हम भी खूबसूरत हैं। और यहाँ पे रंजना है, बस ज़्यादा नहीं लगा है, सिर्फ 4 घंटा लगा है अभी, 8 से 12। 4 घंटा में 12 बजने वाला है बस। अभी मम्मी फ़ोन किए कि बहुरानी को थोड़ा घर लाया जाए, हम लोगों को खाना भी खाना है अभी, तो अभी और टाइम लगेगा आपको। नहीं ले लीजिए, पेडिकोर करवाना है अभी ना? अरे नहीं। चलिए ठीक है, अब हम लोग कल episode 2 आएगा, जिसमें यहीं से शुरुआत होगा। तो बैक कैमरा से दिखाते हैं कि कैसा है ये खूबसूरत ब्यूटी पार्लर। तो गाइस यहाँ पे फाइनली रात का वक्त हो चुका है, और अभी तक वो लोग नहीं आए हैं, और यहाँ पे मोटरसाइकिल। तो ये है कुछ ऐसा खूबसूरत नाम ही है खूबसूरत ब्यूटी पार्लर, और वो जो दिख रही है ना वही करती है, आप लोग आके देख लीजिएगा। जिसको आना होगा, जो दिख रही है वही एकदम सेम टू सेम। आप भी आइएगा तो चेंज लगेंगी थोड़ा रियल में तो थोड़ा वहाँ पे खड़ी। चलिए बाय बाय कर रहे हैं।
बाय कर दो रंजना। यहाँ मार्केट आए हुए थे और हम लोग का काम हो चुका और यहाँ पे पीछे दीदी बैठी हुई है और यहाँ पे बाइक चला रही है, तो कॉल के आने के लिए तो ये आ गए और अब हम लोग घर जा रहे हैं। चलिए घर जाकर आप लोग से मिलते, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना चाहेंगे, टाइम बताओ ना कितना हो रहा है। आप छोड़िए ना, टाइम से क्या मतलब है, रात का 12 बज रहा है और हम लोग सुनसान रास्ता पे हैं, चारों तरफ दुकान देख सकते हैं आप लोग, बंद है, एक भी दुकान नहीं खुला है और 12 बजे ऐसा लग रहा है हम लोग बाइक से जा रहे हैं। गेट खोल दीजिए, कैसा लग रहा है रंजना बाइक पे घूम के? तो गाइस यहाँ पे सब छुटकी को देख सकते हैं कि आज बहुत ज्यादा रो रही थी सुबह में, तो इसका नजर उतारा गया है, तब जाके ये जाके सही हुई है। तो ये नज़र का वाकई में होता है ऐसा कुछ, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे तो लगता है ऐसा होता है। जब सबसे उतारा गया तब से जेरी को देख के एकदम मस्त हंस रही है। जेरू प्रिंसेस मामा जी, ये प्रिंसेस आई। और यहाँ पे हाय बोलते हो सबको? हाय, हेलो हेलो जेरू। तो चलिए इस वीडियो को लेके चलते हैं आगे, और यहाँ पे लक्की बैठी हुई है और अनुष्का जी को खाना था मिठाई, तो दो मिठाई आ चुका है, वो भी छेना का मिठाई। हाँ, क्या चीज़ का मिठाई? छेना का मिठाई। क्या चीज़ का मिठाई पसंद है? नहीं, हमको कोहणा पसंद है, कोहणा। तो चलिए गाइस वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। अभी आप लोगों को बताइए मम्मी, कल कितने बजे ये लोग आए थे? लोग गेस कीजिए, आप तो सोई रहती हैं, तब भी पता चल जाता है। बताइए, वो तो 11:30 में भेजे हैं, ये लोग 12 बजे के बाद आया होगा। ये लोग को हम फोन किए तो अभी थोड़ा काम चल रहा था। तो चलिए इस वीडियो को लेकर चलते हैं आगे, दिखाते हैं कि कितने बजे से हम लोग वहाँ से निकले, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब तक जेरी कंफ्यूज हो गया है कि कौन है भाई, क्यों? गाइस समय हो गया है 11:10 और यहाँ पे हमारा गोलू मोलू सब खेल रहा है। लो ए क्या के सो जाइए, स्लीपिंग टाइम। मम्मी के पास जाना है और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ उन लोगों को लाने के लिए। मम्मी के पास जाऊँ हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबको फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस अभी सुबह का टाइम हो चुका है और अभी मैं नहा धोवा कर रेडी हो चुकी हूँ और अब चलती हूँ पूजा करने, और पूजा करने के बाद उसके बाद मम्मी जी पापा जी से आशीर्वाद लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि नाश्ता में क्या बनेगा क्या नहीं, तो जल्दी जल्दी करेंगे। और कल दीदी भी आ गई तो हम लोग सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी साथ में थे और बहुत मस्ती की, और आज भी बहुत हम लोग मस्ती करने वाले हैं, आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिलेगा। और चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। तो यहाँ पे मैं चल रही हूँ मंदिर में पूजा करने, जल्दी से पूजा कर लूँ उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पे है, अभी देखिए यहाँ पे भी आज भी कुछ फ़ोटो गिर गया था, तो मैं सबसे पहले मंदिर में ही आई और देखिए फ़ोटो गिरा हुआ था तो सब उठा दी। तो अब चलते हैं जल्दी से, और यहाँ पे कल आरती का थाल लिए हुए थे तो ये कल जल्दी जल्दी यहाँ रख दी थी। चलते हैं, सबसे पहले क्लीन करते हैं उसके बाद फिर पूजा करते हैं। तो यहाँ पे पापा जी लेकर आए थे अनमोल्स,
किशमिश था और ये क्या बोलते हैं अखरोट था। तो अब मैं चल रही इसको डिब्बा में रख देती हूँ और अभी पापा जी को भी देंगे खाने के लिए। तो चलिए रखते पहले, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो फाइनली यहाँ पे पूजा हो रही है, पूजा करने का बाद अब आ गए हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत सामान था रखना था उसको रख दिया है। और अभी देखते कि अभी मुझे और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं, बाकी अभी सामान वगैरह अरेंज हो रहा है तो देखते हैं क्या क्या होगा कैसे होगा, तो वो सब करेंगे और आप लोग से दिखाएंगे। उससे पहले कि मैं चल रही हूँ, थोड़ा मुझे कपड़ा डालना है बाहर, तो डालते हो उसके बाद आप लोग से मिलते। तो चलिए चलते बाहर। मैं आ गई और आज मौसम बहुत अच्छा हुआ, गर्मी तो है लेकिन आज बिल्कुल धूप भी नहीं निकला हुआ है और थोड़ा बहुत हवा चल रहा है। तो मैं सोची थी कि जो कपड़ा था वो मैं अपने बालकनी में डाल दूँ और बाकी पीछे तो वो काम चल ही रहा है। और यहाँ पे ये टेडी बियर है। तो अब देखिए यहाँ, चलिए मैं आप लोग से बैक लोकेशन दिखाती हूँ अभी मौसम कैसा हुआ। अब बिल्कुल भी धूप नहीं हुआ है, उसके बाद मैं जल्दी से कपड़ा डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बिल्कुल भी, एकदम थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की हवा चल रही है लेकिन गर्मी काफ़ी है। बाकी इधर काम चल रहा है तो अभी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, बस कुछ काम बचा हुआ है। और यहाँ पे छत पे बिछौना गद्दा वगैरह रखा हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो फाइनली यहाँ कपड़े पे डाल दिए और अब चलते हैं रूम में। यहाँ पे नाश्ता में चल रहे जल्दी से बना लें नीनुआ का सब्जी और यहाँ पे आटा सान कर रखा हुआ रोटी। और इससे पहले कि थोड़ा सा चाय बनाते हैं, मम्मी जी बोली थोड़ा सा चाय पहले बना दो, तो एक किलो सब्जी छौंक देते हैं उसके बाद एक किलो चाय। हे गाइस, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं सब सामान ऐसे भरकर हुआ है। तो मैं सोचती कि अभी आंटी की सब झाड़ू वो कर दी, तो मैं सोची कि यहाँ पे सब जल्दी से ये सब जो कार्ड पे ग्रिड पे रखा हुआ है तो ये मैं सब अच्छे से अरेंज कर दूँ। और यहाँ पे चूहा भी काट दिया है, तो अभी हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं तो तब तक मैं सोची थी कि चलो एक बार मैं कुछ कर देती हूँ। तो ये सब मैं चल रहे कर देती हूँ, उसके बाद फिर ये सब साफ़ भी करें। तो वैसे मैं कुछ दिन पहले ही इसको पूरे अच्छे से साफ़ की थी लेकिन फिर गंदा हो गया है। और हमारे घर में चूहा इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा चूहा कि साफ़ करते हैं फिर चूहा वैसे ही कर देता है। तो मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं हो जा रहा है और फिर बाद। हे गाइस, तो अब सुबह का वक्त हो चुका है, समय हो रहा है 10:10। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले लकी नहाई है और लकी के नहाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे कोम किया जा रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्योर से। और यहाँ पे जो है ना एकदम बदमाशी कर रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ पे चेरी बनता हुआ तकिया संभाल रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है। आप चुप चुप रहती हैं, डांस कब कीजिएगा जब गाना बजेगा तब? वही बजेगा, थोड़ा देर में पार्टी होने वाला है गाइस, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि गाना बजता तब ऑटोमेटिक बैरिंग में लगता। तो रंजना आप कब उठी थी आज? आज तो मैं उठी थी 5:15। भाई साहब, चलिए तो गाइस वीडियो को लेके चलते हैं आगे। और आज हमारे घर में आंटी जी आई हुई हैं नई, तो काफ़ी अच्छा लगा देख के कि हाँ अब जो है कोई टेंशन नहीं रहेगा, सब लोग खाना खाएगा, बस खाना देना बनाना रहेगा थोड़ा बहुत। तो अभी क्या बनने वाला है नेक्स्ट हम लोग के घर पे? अभी हमारे घर पे बन रहा पनीर की सब्जी और चावल, जो कि पनीर मेरा फेवरेट है। तो चलिए गाइस वीडियो को लेके चलते हैं आगे, इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं खत्म। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, लव यू, और खूब मजा आने वाला है, कोई आने वाला है नेक्स्ट ब्लॉग में।